हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊं जनरल हिंदी के लिए समास। इससे पहले एक वीडियो दे चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था विद इन 3 सेकेंड आप समास को कैसे ढूंढ सकते हैं। सारे समास की परिभाषाएं मैंने बताई थी, 6 समास की। इस वीडियो में बच्चों ने मुझे बोला कि सर डिटेल में समास पढ़ाइए, तो मैं आपको डिटेल में समास बताऊंगा। अव्ययी भाव पहला समास मैंने आपको बताया था, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अव्ययी भाव समास के बारे में एक एक्सरसाइज भी मैं यहां लूंगा। ये मेरा पहला पार्ट है समास की हिंदी, तो दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सामासिक पद, समस पद। समस पद का मतलब होता है दो या दो शब्दों से मिलकर बना शब्द, समस पद कहलाता है, या समास विधि से बना शब्द कहलाता है। समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद होता है समस्त शब्द का पहला शब्द और उत्तर पद होता है समस्त शब्द का दूसरा शब्द। समास विग्रह क्या होता है? जब समस्त शब्द को खोलकर लिखते हैं या विस्तार करके लिखते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। अब देखिए यहां पे मैं आपको समझा दूं, ये जो 4 चीजें मैंने बताई हैं, समस पद, पूर्व शब्द, उत्तर पद और समास विग्रह। यहां पे मैंने एक वर्ड लिया राजकुमार। राजकुमार में जो पूर्व शब्द है राज, वह पूर्व शब्द, और कुमार, इसके अगर हम दो पार्ट करें तो राज और कुमार। राजकुमार से हमें क्या पता लगता है? राजा का कुमार यानी प्रिंस, यानी राजा का बेटा, वो राजा नहीं पता लगता। तो पूर्व शब्द है राज और कुमार है उत्तर पद। समास विग्रह हो गया राजा का कुमार यानी राजा का बेटा। तो आपको पहले यहां पे ये क्लियर करना है अपने दिमाग में, समस पद क्या होता है, पूर्व शब्द क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। इसी से आपको बाकी सब समास समझ में आएंगे। जैसे एक और ले लेते हैं गंगा जल। गंगा जल में दो पद है, गंगा और जल। अगर हम इसका समास विग्रह करें समस्त पद का तो क्या होगा? गंगा का जल, यानी यहां पे का लोप हो जाता है और गंगा जल बन जाता है समस्त पद यानी समास। गंगा जो शब्द है ये पूर्व शब्द है और उत्तर पद है जल। गंगा और जल दो शब्दों से बना है एक समास, समस्त पद गंगा जल। लुप्त, समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। परसर्ग क्या हुए? ये का, की, के, सा, सी से ये लुप्त हो जाते हैं और इसी को बोलते हैं परसर्ग। समास के 6 भेद मैंने आपको बताए थे, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। यहां पे हम जो डिस्कस करेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐसा समास जिसका पूर्व पद हो अव्यय, जिसे हम उपसर्ग भी बोलते हैं। उपसर्ग का प्रत्यय आपको पता होगा, उपसर्ग होता है पहले लगाया जाने वाला शब्द। यदि पहले लगाया जाने वाला शब्द हो अव्यय, यानी प्रति, आ, प्रतिदिन और आमरण। प्रतिदिन में प्रति यहां पे उपसर्ग या अव्यय है और आमरण में आ यानी कि जो पूर्व पद है वो अव्यय है। यहां पे पहला शब्द जब अव्यय हो, जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, अव्ययी समास होता है। ये एक दूसरी परिभाषा है इसकी। यहां पे मैंने बताया जब पहला पद अव्यय हो और उससे कोई नया मीनिंग निकल जाए, जैसे दिन, दिन मीन्स क्या होता है डे, प्रतिदिन यानी रोजाना, रोजाना की रोजाना। तो पहला पद अव्यय होने के बाद दूसरा पद जो है प्रधान पद हो गया, उससे एक नया शब्द बना प्रतिदिन। लेकिन एक और परिभाषा है अव्ययी भाव की, जब एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो तो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, घर घर, घर घर की कहानी, रातों रात अमीर हो गया, दिनों दिन वह बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो शब्द है जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो अव्ययी भाव समास में होता है। अब देखिए अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण बता देता हूं, फिर इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे। आजीवन, आ यहां पे एक अव्यय है, इसका मतलब हो जीवन भर, पूरे जीवन। यथा सामर्थ्य में यथा एक अव्यय है यानी उपसर्ग यथा है यानी सामर्थ्य के अनुसार, और यथाशक्ति में यथा एक अव्यय है, इसका मतलब शक्ति के अनुसार, और यथा विधि में यथा विधि के अनुसार, यथा क्रम में क्रम के अनुसार। तो यथा का मतलब क्या हुआ? के अनुसार,
तो कर्म के अनुसार, विधि के अनुसार, शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, यानी यथा और आ अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण है। अव्ययी भाव समास में भरपेट, भरपेट मीन्स पेट भरकर, हर रोज मीन्स रोज रोज, प्रतिदिन मीन्स प्रत्येक दिन, हाथों हाथ मीन्स हाथ ही हाथ में, रातों रात मीन्स रात ही रात में, बेशक, बे शक एक वर्ड है आपको पता है, उत्तर पद है, शक के बिना, निडर डर के बिना, निसंदेह संदेह के बिना, निसंदेह को लिखना देख लीजिएगा, निसंदेह में नी आधा से और संदेह आता है, संदेह के बिना, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष, आमरण मरण तक, मरने तक, आमरण खूबसूरत अच्छी सूरत वाली, ये सब अव्ययी भाव के समास के उदाहरण है। देखिए खूबसूरत, खूब लगा है यहां पे एक अव्यय, सूरत में तो खूब सूरत, बहुत अच्छी सूरत, अच्छी सूरत वाली। अव्ययी भाव समास के बारे में एक बार और मैं आपको बता देता हूं, जिस समास में पहला शब्द अव्यय हो और पहले शब्द का अर्थ ही मुख्य हो और पूरे पद का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति होता है, वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति में पहला पद यथा अव्यय है और दूसरा पद शक्ति एक संज्ञा है, किंतु पूरा पद यथाशक्ति एक क्रिया विशेषण हो जाता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि अव्यय वह शब्द होते हैं जिनके रूप में वचन, लिंग आदि के कारण कोई विकार नहीं होता। अव्यय का मतलब होता है जिनमें वचन ना हो, एक वचन बहुवचन ना बनते हो, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना हो, उन्हीं को हम अव्यय शब्द बोलते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं, इनके मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए, और देखिएगा इन्हीं में से कोई ना कोई पूछा जाएगा, यह भी याद रखिएगा। और ये छह के छह समास देने के बाद, छह वियोग देने के बाद मैं आपको दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ सीरीज दूंगा 25-25 क्वेश्चन की कम से कम, जिससे आपको यही क्वेश्चन आपको मिलने हैं। याद रखिएगा इन्हीं वीडियो में से आपको समास का क्वेश्चन मिल जाएगा, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार, यथा अनुरूप अनुरूपता के अनुसार, यथा साध्य साध्य के अनुसार, यथा कर्म कर्म के अनुसार, प्रतिदिन दिन प्रतिदिन, प्रति क्षण क्षण प्रति क्षण, आ जन्म जन्म प्रयत्न, आ मरण मरण पर्यंत यानी मरने तक, आ जीवन जीवन पर्यंत पूरे जीवन भर, भर पेट पेट भरकर, भर सक प्रयास, आपने सुना होगा ये वर्ड, शक्ति भर पूरी पूरी शक्ति से कोई प्रयास किया गया, हर घड़ी प्रत्येक घड़ी मैं यही सोचता हूं, याव जीवन यानी जीवन भर, प्रतिपल यानी प्रत्येक पल, ये सारे समास मैंने अव्ययी भाव समास के बारे में आपको बताया, यही उदाहरण 15 दिए, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अव्ययी भाव समास के बारे में आपको पॉइंट क्लियर हो गए, अन अकेडमी पे भी आप मुझे डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से सर्च कर सकते हैं, और जैसे ही आपको मेरा ये फोटो मिले मुझे तुरंत फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मेरे 40 से ज्यादा कोर्स हैं, आप वहां पे जाके मेरी करंट अफेयर्स देख सकते हैं, वहां पे आपको सारी वीडियो मिलती है फ्री, और एक प्लस कोर्स भी आपको मिलता है। प्लस कोर्स में आपको मेरा एक रेफरल कोड डालना होगा A2Z करेंसी, ये मेरा रेफरल कोड है A2Z करेंसी, और यही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और बेल वाला आइकन भी दबाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ एंड आई होप यू विल रियली लाइक दिस वीडियो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, इवन यू कैन राइट अप योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टडी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, दैट इज 9837282318। योर सजेशंस आर वेलकम। आप सभी सब्सक्राइबर की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।